Varanasi, one of the most historically eminent cities in the country. Known for its beautiful temples and air of spirituality, it's also responsible for cultivating ideologies that have manifested strongly and sculpted the foundation of the Indian society. Kabir, Kalidasa, Guru Nanak are just a few names associated with this city. But Varanasi is also known for something else. Something not at the forefront but omnipresent in the lives of the people living here. Bhaang. The local terminology used to refer to Ganja. Despite being an integral part of the Indian lifestyle both spiritually and medically for centuries, of late it has been denied the stature it once used to hold. From herb to street drug. Whatever happened, Varanasi is one of those last places in India that still remembers. Bhang, God gift है, जैसे ईश्वर का उसमें वरदान है, उसमें कई तत्व नष्ट करने का, जैसे बीमारी, दिमाग की, ब्रेन की, हृदय की, जो इससे दूर होती है, हमारे पहाड़ की एक बूटी है, औषधि, औषधि बोलते हैं, बूटी बोलते हैं, है ना, औषधि है, तो मेडिसिन भी है मस्ती भी है आनंद भी है परमानंद भी है इसमें कोई राय नहीं है पीने से परमानंद भी है लड़ाई झगड़ा नहीं होता है शराब पीने से लड़ाई झगड़ा होता है हां गोली चलती है अंदर जाएगा बाहर जाएगा वकीलों का पेट भरेगा है ना ये फसाए रखने वाली बात है अगर भंग पिएगा तो ना कोई झगड़ा होगा ना कोई लड़ाई होगी ना प्रसाद होगा उसमें शुद्धता भी है पवित्रता भी है जो लिमिटर से भंग है खाएगा सदा आनंद पाएगा यानी शरीर और आत्मा ये अलग अलग हैं तो आत्मा जो है वो जो ईश्वर का जड़ी बूटी है ना उनसे पवित्रता आती है अंदर की तो योगा से बॉडी की अगर दोनों तत्व मिल जाएं तो एक एक दो ग्यारह हो जाते हैं कहीं किसी जगह बॉडी की जरूरत पड़ती है किसी जगह मन की जरूरत पड़ती है दोनों का संगम तो है ही है तो संगम चलने के लिए दो पहिए बॉडी भी चाहिए आत्मा भी चाहिए दिमाग की ताजगी आ जाती है तो जिसके दिमाग में ताजगी है बड़ा वो बहुत कुछ कर लेता है ये योगा भी इतना है, हेल्थी बनाता है चेस्ट को बढ़ाता है उसे मन और शरीर दोनों तंदुरुस्त रहता है और इसका मेडिसिन जो हम बनाते हैं घी लेकर उसके भांग के पत्ते उसमें उबालो उबालो कम से कम चार घंटे तक उसका जूस कपड़े में बांध के उसे निकाल लो जितना उसका कचरा एक तरफ चला जाएगा उसका रस जो है उसका तत्व है वो एक तरफ आ जाएगा उसके ड्राप इस्तेमाल करो आप तो वो उसको खाते हैं उसे फेफड़े वगैरह मस्ती आनंद और भक्ति उसमें सब कुछ मिलेगा शराब में आपको बिना नरक के कुछ भी नहीं मिलेगा जो 400 रुपए की बोतल लेते हैं 100 रुपए की अगर भंग बना के पिएंगे उससे दुगना आनंद आएगा प्रभु कृपा भी प्राप्त होगी और आपका हृदय बीमारी भी नहीं होगी प्रभु की तरफ चलो है नशे की तरफ उसकी तरफ मत चलो उससे आपका और आपका भविष्य सब उत्तम हो जाएगा क्योंकि ये 100 बीमारी से दूर करती है बन लेकिन लिमिटेड प्लीज़ रिक्वेस्टेड के लिमिट में पिए जो भी करें लिमिट में करें ज़्यादा नहीं है कहो कि आनंद आने लगा तो पूरे ही खा जाएं नहीं फिर तो भाई खराब लगेगा ज़्यादा भक्ति भी खराब लगती है थोड़ा काम करो थोड़ा भक्ति करो है ना आनंद पाओ आनंद तो ये है लालच में आनंद नहीं है ऐसा करें कि आप कन्वर्ट करें थोड़ा चेंज करें दारू शारू का ज़रा बंद करें तो अपनी भंग का हमें आनंद दें है कि हमारा ये साधु संतों का लक्ष्य भी है प्रसन्नता भी है संसार बंधनों से हम मुक्त भी होते हैं इससे हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए करना चाहिए उचित करना चाहिए अनुचित ना करे हमें उसके लिए कोई दोष नहीं है लेकिन जो हमारे लिए उचित है वो तो करे
हम ठहरे छोटे भला, लेकिन हम भी यही आज की कृपया से हम भी संदेश देते हैं कि योगा और भंग लिमिटेड थोड़ी सी शाम को सोने के बाद है ना अनंत से लेनी है, उसे आपको भूख भी अच्छी लगेगी, ये भी छोटी है, नहीं तो मैं अपना नंबर दूंगा, इनके उसे .com पे भेज सकते हैं कि ये झूठ है, तो उसके लिए मैं जो भी दंड वो मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं।